कोहली को बॉल दो, कोहली को बॉल दो। भाई ये रोहित भाई से ऐसे उल्टी सीधी डिमांडे मत किया करो, ये पूरी कर देते हैं। लीग मैचेस तक तो ठीक था, सेमीफाइनल में ये मत बोलने लगना अय्यर को बॉल दो। रोहित भाई बोलेंगे ये ले अय्यर बॉलिंग कर। अभी हार्दिक के जाने से लोग बोल रहे थे हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, ये ले कितने ऑलराउंडर्स चाहिए, एक साइड से बैट्समैन डालूंगा दूसरी साइड से ऑलराउंडर निकलेगा। अभी क्या बोलूं यार, हम इंजर्ड क्या हुए, पूरी दुनिया ही ऑलराउंडर बन गई। बस एक केएल राहुल भाई की बॉलिंग आना बची थी, वो भी विराट कोहली को कीपिंग ग्लव्स देके करवा सकते थे। मालिक अब इतनी बॉलिंग करा ही ली है तो एक ओवर मुझसे भी करा ही लेते, ये ले एक ओवर तू भी डाल और एक अय्यर से भी डलवा। अपने सूर्या भाई को भी बॉलिंग दी, वो बॉलिंग करा रहे थे या भांगड़ा कर रहे थे वो समझ नहीं आया। बस तेजा जी ने जरूर भांगड़ा करा दिया सूर्या भाई को दो बॉल पर दो छक्के मार के। और जब सेम ही बैट्समैन ने कुलदीप और जड्डू भाई को सिक्स मारा, सूर्या भाई अंदर ही अंदर खुश हो गए, सेम ही स्पिन कराते हैं हम लोग यार, 19-20 का अंतर होगा। और जब इस तेजा ने सबको एक एक सिक्स मार दिए, टीम इंडिया को ब्रह्मास्त्र का यूज करना पड़ा। डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट द रोहित शर्मा को लाके ये उनको भी सिक्स मारने चला था, पर रोहित भाई के आगे कोई सिक्स मार सकता है क्या? अभी क्या है ना यार, मेरे सामने छक्के मारता है कोई, मेरा खून खोल जाता है, छक्के केवल मैं ही मारेगा, इसीलिए विकेट ले लिया यार। सोच रहा था बॉलिंग ना करूं, ना दिखाऊं अपना हिडन टैलेंट, पर ये लोग लातों के भूत हैं यार। और एक जरूरी बात कि अभी क्या बोलूं यार, सेम ही चीज हुई जब विराट भाई ने विकेट लिया, इतनी जोर से चिल्लाया क्राउड, नीदरलैंड्स वाले घबरा गए कि भाई साहब क्या हुआ, कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड मिस हो गया क्या हमसे, जो इन लोगों को पता है और हमें नहीं पता। नीदरलैंड्स के भाभी जी खुद हंस हंस के लोटपोट हो गई, क्योंकि भाभी जी ने अभी थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि चीकू भैया अकेले ऐसे बॉलर है जिन्होंने बिना बॉल डाले ही अपना मैडन विकेट लिया था वाइड बॉल पर स्टंपिंग। और यार इस बार भी सिमिलर ही सिचुएशन हो रही थी, बॉल वाइड जा रही थी, बैट्समैन ने छेड़ दी, केएल राहुल भाई ने कैच कर लिया, विराट भाई विकेट। दिवाली में इससे अच्छा मैच और क्या ही हो सकता था, सब कुछ हो गया। और पब्लिक की जो बढ़ती डिमांड थी ना चीकू भैया के विकेट के बाद, मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग ये ना चिल्लाने लग जाए, कोहली को कीपिंग दो, कोहली को छोले भटूरे दो, कोहली को छोले भटूरे दो। वड्डे वड्डे बॉलर्स के कॉल आने लगे विराट भाई को, भाई राइट आर्म क्विक बॉलिंग सिखा दो यार। वेरी क्विक चीकू भैया, वेरी क्विक। अरे मुझे भी बॉलिंग सिखा दो यार, कोहली भाईजान क्या बॉलिंग की अब, माशाल्लाह यार माशाल्लाह। पर भाई जिस हिसाब से तू छक्के खा रहा है ना, इतने सारे, मुझसे पहले सचिन पाजी का रिकॉर्ड तोड़ देगा तू यार। अरे जब से आपने और रोहित भाई ने मारा है, हमें तो हर कोई बैट्समैन बंदर बना के ही चले जाता है, इतना मारते। अब आप बॉलिंग सिखाओ यार, रोहित भाई सिखाए तो ही बात बने, कोई तो सिखाओ यार। अरे चीकू भैया सिखा दो यार, पहले बोल पीके एम के भी। चलो वैसे ऐसे हाथ कर, ऐसे ऐसे हाथ कर पहले, शाबाश शाबाश करते रहो भाई। कुछ भी बोलो, इंडियन टीम्स में जो वाइब्स है ना यार, वो किसी टीम में नहीं है, हर एक बंदा प्योर एंटरटेनमेंट देता है। सूर्या भाई को ही देख लो, लगता है रोहित भाई ने पहले ही बता दिया था यार, सूर्या कोई बात नहीं, तेरी बैटिंग नहीं आई तो मैं तुझे बॉलिंग देगा, खुश होगा इसका है भाई। बेचारे गिल्लू भाई ने भी बॉलिंग करी पर उनको विकेट नहीं मिला, कोई अगर ग्राउंड में आया होता तो शायद बहुत सारा विकेट मिल जाता इन्हें। वो क्या है ना, अपनी क्वीन आज ग्राउंड पर नहीं आई है, जिस दिन आएगी ना 5 विकेट लेंगे फाइवर। पता नहीं यार इस वर्ल्ड कप में जब भी इंडिया जितनी बार ग्राउंड पर आई है नए नए रिकॉर्ड बनाई है। कल हम पहली टीम बन गए जिसके शुरू के 5 बैट्समैन ने 50+ का स्कोर किया है वर्ल्ड कप में। विराट कोहली हाँ तू पीले पहले थक गया होगा। यार ये वाला इमेज इतना वायरल हो रहा है ना, ईशान किशन भाई खुद ही पानी पी रहे हैं, सबकी बॉलिंग देख देख के थक गए होंगे बेचारे। 150 तेरा, 150 मेरा, 1 विकेट तेरा 1 मेरा, ये होते हैं बेस्ट ऑलराउंडर्स। 5 गेंद इनिंग्स एंड, रोहित भाई को लगा यार ये लोग बहुत छक्के पिटा रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। 5 बॉल डाली और इनिंग्स खत्म यार, मतलब हैट्रिक के लिए विकेट से नहीं बचे, वरना आईपीएल जैसे एक और हैट्रिक देखने को मिलती। नीदरलैंड्स भाई बैटिंग कर रहे, आओ या रहने दो। इंडिया ने इतने रन मारे, नीदरलैंड्स को लगा ये एक जन्म में बनाने हैं। अय्यर 100, राहुल 100, हार्दिक पांड्या शिट। हार्दिक भाई ये क्या हो रहा है, आपके ना रहते सब लोग सेंचुरी पर सेंचुरी मार रहे हैं यार, वापस आना होगा आपको। व्हेन ब्रदर्स एट होम अलोन इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, कल कोहली भाई ने यार गिल को टन टन तारा नहीं किया। विराट कोहली एंड हैरिस रॉफ इज द ओनली प्लेयर टू हैव 600+ रन विद अ विकेट इन दिस वर्ल्ड कप। हैरिस रॉफ और विराट कोहली दोनों किंग है भाई, हैरिस रॉफ ने इतनी बेइज्जती करा ली, वो जो अपनी अकड़ थी ना 150+ डालते हैं भाईजान वाली वो चली गई। कैप्टन रोहित शर्मा भी लाइक बॉलिंग ले लो, ओवर्स ले लो, कल अगर अय्यर
भाई से भी डलवा ही देते क्योंकि वो भी बॉलिंग करते हैं, तो फिर एक रिकॉर्ड बन जाता। क्योंकि मेरे को लग रहा है बस वही एक रिकॉर्ड बचा होगा हम लोग के खाते में। एक विकेट निकाल के डेड मैच में भी सबकी इंटरेस्ट जगा दी, पर विकेट तो ठीक है यार, जो माहौल बना था ना वहां पे, ओहो मतलब सब लोग हंस रहे थे भाई, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, किसको पता था इंडिया वर्सेस नीदरलैंड इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता। कोहली तुझे भी बॉलिंग दूंगा, गिल तुझे भी, सूर्या तुझे भी, राहुल द्रविड़ आप भी डालो, जय शाह तुम भी डालो, जय शाह भाई भी बॉलिंग करते कितना मजा आता। लाइफ अपडेट, उसको खुश रखने के लिए हर डिपार्टमेंट में बेस्ट देने लगा हूँ, यही देख के तो रोहित भाई को लगा यार बीवी तो मेरी भी आई हुई है, मैं भी एक आध विकेट ले लेता। शुभमन गिल टू रोहित आफ्टर विराट गॉट अ विकेट, मुझे भी बॉलिंग आता है, फिर उसके बाद सूर्या भाई आए मुझे भी आता है। अगर कोहली को फाइनल में 5 विकेट दिलवा के वर्ल्ड कप जितवा दूं तो भाई बस एक बुमराह की हाफ सेंचुरी और हो जाती ना तो मजा आ जाता। आई डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आई वर्क ऑन माई सेल्फ। ईशान किशन भाई जब अपने बच्चे होंगे उनको स्कूल छोड़ने जाएंगे ना तो बच्चों को बोलेंगे 1 मिनट और खुद ही बुक पढ़ने लग जाएंगे। और अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो यार कमेंट करो कि भाई चाहिए और सब्सक्राइब करो चैनल को जिससे कि हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हो पाए।